हेलो यूट्यूब, आज मैं ये स्मॉल 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 रोजेज़ बना रही हूँ इस स्टाइल में। और इसके लिए मैंने ये वाला रिबन लिया है, 6 मिलीमीटर वाला, और जो नीडल है वो ये वाली है, 18 नंबर है शनाइल का। और इसको बनाने के लिए आप इसके साथ का ही मैचिंग धागा भी रखें अपने साथ, एक नीडल में डाल के इसके साथ मैचिंग धागा रखें, क्योंकि ये इन फ्लावर्स को आपने करने के लिए आपको चाहिए होगा। आपने पहले क्या करना है, जितने बड़े साइज़ का आपने फ्लावर बनाना है, अगर ज़्यादा बड़ा बनाना चाह रहे हैं यहाँ से स्टार्ट कर लें, अगर छोटा बनाना है थोड़ा सा तो यहाँ से, इतना तकरीबन ये है 2 इंच, ऐसे आपने यूं इस तरह से इसको टर्न किया और इसके सेंटर में से आपने इस तरह से, ये देखिए ऐसे, और फिर इस तरह से आपने इसको लेयर अप कर लिया और थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अब आपने बहुत एहतियात के साथ इसको केयरफुली ऐसे यूं इस तरह से खींचा इतना, और सुई जो है आपने दूसरी साइड पे निकाल ली ऐसे, यूं, और फिर ये जो मैचिंग धागा है इसकी नीडल के साथ आपने इसको, अब आप अगर चाहें तो इसके अंदर बीड्स भी लगा सकते हैं, धागे के अंदर, थोड़ा सा फैंसी अगर आप चाह रही हैं कि आप फैंसी लुक दें तो इसमें बीड्स लगा दें, छोटे छोटे से स्मॉल स्मॉल साइज के जो होते हैं। और इसे आपने ऐसे ही छोड़ लेना है, क्योंकि ये साथ साथ ही चलेगा जितनी देर तक आप ये फ्लावर बनाएं। अब अगेन वही आपने, ये देखिए इतना साइज था ऑलमोस्ट, और यूं 1 ऐसे, और यूं इसको आपने हाथ के साथ इस तरह से प्रेस कर लेना है, ताकि उसका जो ऊपर से हमने जो एक टर्न लिया है वो ना खुल जाए कहीं। क्योंकि ये बहुत सारी लेयर्स में से नीडल ने गुजरना होता है, इसलिए थोड़ा सा इसको आपने, इसको टाइम लगता है थोड़ा सा इस वीडियो को। ये देखिए, अब आपने ये देखिए, अगर मैं ज़्यादा खींचूंगी तो ये खुल जाएगा। अब आपने क्या किया, जो ये जो धागा था आपने इसके साथ, क्योंकि उसे हमने काटा नहीं था, उसी तरह ही रहने दिया था, अब ये ऐसे हमने और अगर आपको लगे कि आपको ज्यादा जरूरत है तो आप इसको, क्योंकि इसको इसमें से भी गुजारने के लिए आपको काफ़ी
मेहनत करनी पड़ेगी। नीडल भी आसानी से नहीं गुजरती है क्योंकि इतनी लेयर्स हो चुकी होती हैं। अब आप इसी तरह से ये छोटा बड़ा साइज आप इसका कर सकते हैं, लेकिन रिबन का अगर साइज आप इससे बड़ा लेंगे तो वो काफी आपको हार्ड टाइम देगा फिर, क्योंकि वो उसमें से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब आप खुद बनाएंगे तो बहुत इजीली ये बन जाएंगे, इतने मुश्किल नहीं बनेंगे। अब मुझे क्योंकि एक एंगल से आप लोगों को दिखाना होता है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज़ अगर आप आसानी आराम से बैठ के वैसे बनाएंगे तो ये इतना आपको मुश्किल नहीं लगेगा। फिर आपको जो जिस तरीके से सही लग रहा होता है आप बना रहे होते हैं। अब ये देखिए मैंने आपको बना के दिखा दिए, इसी तरह से आप इसे ये मैंने इसी पैटर्न से या जिस तरह अगर आप दो दो भी इस तरह बनाना चाह रहे हैं बना लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। और ऊपर मैंने फिर सिंपल फ्रेंच नॉट बनाई है इसके यूं ऐसे, और फ्रेंच नॉट को मैंने दो बल दिए हैं। आप इसमें भी बड़ा छोटा जो आपको साइज लगे वो आप बना सकते हैं, डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप फ्रेंच नॉट बना लें ताकि इसकी ये टॉप सी बन जाए। पहले मैंने दो बल दिए, अब आप जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे, अगर दो तीन आप नीचे फ्रेंच नॉट बनाना चाह रहे हैं, लंबा करना चाह रहे हैं इसे, तो आप बना लें दो बल दे के और बाकी जो है वो सिंगल एक ही के साथ, क्योंकि उसे फिर छोटा करेंगे ना आप स्मॉल साइज का। इस तरह से ऐसे आप बना लें। तो ये था हमारा आज का पैटर्न या आज का स्टिच, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।